हरे कृष्णा बच्चों, सुप्रभात। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था दशम पाठ, प्रथम पुरुष द्विवचन सर्वनाम का प्रयोग, एतत् तथा तद् शब्द। ठीक है, आज हम इसके शब्दार्थ दोहराएंगे और फिर इसका अभ्यास करेंगे। निकालो शब्दार्थ। शब्दार्थ कुकुरोहो, दो कुत्ते। कपोतो, दो कबूतर। जनो, दो आदमी। अजे, दो बकरियां। चटके, दो चिड़ियां। खादतः, दोनों खाते हैं। पठतः, दोनों पढ़ती है। इस्तः, दोनों है। बालिके, दो लड़कियां। कंदुके, दो गेंद। कमले, दो कमल। वायुयाने, दो हवाई जहाज। विकसतः, दोनों खेलते हैं। उत्पततः, दोनों उड़ते हैं। तिष्ठतः, दोनों बैठी हैं। धावतः, दोनों दौड़ते हैं। अब हम इसका अभ्यास करेंगे। नीचे लिखे शब्दों की संस्कृत लिखिए। नीचे लिखे शब्दों की संस्कृत लिखिए। दो पत्रवाहक, दो पत्रवाहक, इसका संस्कृत होगा पत्रवाहक के। क्या होगा? पत्रवाहक के। दो पत्ते पढ़ने, दो पत्ते पढ़ने। दो छात्राएं छात्रों, दो छात्राएं छात्रों। दो ऊंट उष्टो, दो ऊंट उष्टो। दो पुस्तके पुस्तके। दो पेड़ वृक्षों, दो पेड़ वृक्षों। दो फल फले, दो फल फले। दो पहिए चक्रे, दो पहिए चक्रे। दो बेल वृषभो, दो बेल वृषभो। दो मकड़ियां लुते, दो मकड़ियां लुती। अगला प्रश्न, नीचे लिखी एक वचन की क्रिया का द्विवचन रूप लिखिए। एक वचन की क्रिया का द्विवचन रूप लिखना है। एक वचन पठती, द्विवचन पठतः। एक वचन नृत्यति, द्विवचन नृत्यतः। एक वचन खादती, द्विवचन खादतः। एक वचन उत्पतति, द्विवचन उत्पततः। एक वचन गच्छति, द्विवचन गच्छतः। एक वचन तिष्ठति, द्विवचन तिष्ठतः। एक वचन लिखति, द्विवचन लिखतः। एक वचन धावति, द्विवचन धावतः। अगला प्रश्न, एषः अथवा एतो का प्रयोग करके खाली स्थान भरिए। गजः, एषः गज, यह हाथी है। एतो कुकुरः, ये दो कुत्ते हैं। एतो छात्रों, ये दो छात्र हैं। एतो उष्टो, ये दोनों ऊंट हैं। एषः शुकः, यह तोता है। एषः शिक्षक, यह शिक्षक है। एषः कुंभकार, यह कुम्हार है। एतो रजको, ये दोनों रजक है ना। एतो अश्वो, ये दोनों घोड़े हैं। बच्चों, आपको ये अपनी पुस्तक में करना है और मुझे बताना है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।